गाइस ये सामान इलेक्ट्रिक की दुकान में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। दूसरा नंबर मुझे क्या चाहिए देखिए मैं बता देता हूँ, ये फेवी क्यूक है गाइस, तो फेवी क्यूक आपको चाहिए ठीक है। उसका काम क्या है वो मैं आगे आपको दिखाऊँगा ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस सबको साइड करते हैं और इस चार्जर को ये तार वायर है इसको हटाते हैं, क्योंकि हटाए बिना इसका काम नहीं होगा। तो चलिए इसको मैं स्क्रू ड्राइवर मदद से मैं इसको हटा देता हूँ। तो चलिए ये हट गया और गाइस इसे मैं आराम से यहाँ पे इस बोर्ड को निकाल कर हटा देता हूँ। तो देखिए इसको हटा दिया और तार को साइड कर दिया। तो देखिए गाइस इसके अंदर में दो वायर है, एक रेड है एक वाइट है। तो मैं इसको इस कवर है ना, ये कवर के ऊपर मैं छेद करूँगा ठीक है, सुराख करूँगा और उसके ऊपर से वो वायर निकालूँगा। और ये जो है इसको मैं इसमें भी सुराख करूँगा और इसको फेविकोल की मदद से इसको चिपका दूँगा ठीक है। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ। तो ठीक है मैं इसे सुराख करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसमें सुराख करना है। तो सुराख हम कैसे करेंगे चलिए फटाफट हम सुराख करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए आयरन की मदद से मैं सुराख कर रहा हूँ ठीक है। देखिए सुराख कर रहा हूँ, आयरन मेरा गर्म है। देखिए वो सुराख कितना अच्छा से सुराख हो गया और इसमें वायर डाल रहा हूँ और अच्छा तरीक़ा से मेरा वायर वहाँ पे फिट हो जा रहा है। तो ज़्यादा सुराख करने की दरकार नहीं है। अब मैं ये प्लेट में सुराख करूँगा ताकि मेरा वायर इसमें भी, तो गाइस देखिए मैं इसमें सुराख कर रहा हूँ देखिए, और इसमें भी अच्छा तरीक़ा से सुराख छेदा हो गया है देखिए। और इसमें अच्छा तरीका देखिए इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है, तो मुझे देख ले रहा है सेंटर मिला कर इसमें सुराख करना है। तो चलिए फटाफट से मैं वायरिंग कर ले रहा हूँ। तो ये दो मेरे पास में वायरिंग कर ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास वायर है और ये मैं ब्लैक टेप है ठीक है। तो मैं इसमें दोनों का आराम से इसमें जोड़ दिया हूँ और देखिए वायर की मदद से मैं इसको अच्छा तरीक़ा से इसको मैं कवर कर ले रहा हूँ ताकि आपस में शॉर्ट ना करे। तो देखिए कितना अच्छा तरीक़ा से मैंने कर दिया यहाँ पे, और दूसरा वायर भी सेम ऐसे ही करना है। तो चलिए फटाफट से ज्वाइन करता हूँ। तो देखिए गाइस मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचो। तो गाइस मुझे क्या चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो चलिए देखिए इसमें भी मैं टेप की मदद से, देखिए इसमें भी अच्छा से मैं इसको ये कर दिया हूँ, इसलिए इसको टेप से मैं इसको कवर कर दिया हूँ कि आपस में शॉर्ट ना करे ठीक है। अब चलिए फटाफट इस कवर में चार्जर में घुसा लेते हैं, चार्जर के कवर में सॉरी। तो देखिए गाइस इसमें हम फ्राक से इसको फिट करके देखते हैं और इसमें आराम से फिट कर रहे हैं गाइस। देखिए इसमें थोड़ा अलग अलग करके यहाँ पे करना होगा, इसकी इसके लिए मैं शॉर्ट ना करें इसके, फिर से मैं टेप का मदद ले ला। देखिए टेप को मैं इसके बीच में बेंड करूँगा ताकि ये आपस में दोनों, देखिए मैं दोनों को अच्छा से बांध दे रहा हूँ टेप से ताकि आपस में दोनों शॉर्ट ना करें। चलिए इसको बंद करके देखते हैं। हाँ गाइस देखिए कितना अच्छा तरीका से ये इसका लॉक हो गया है चार्जर का कवर का ठीक है। और मैं इसका जो वहाँ पे जो वायर निकाले थे ना वहाँ पे वो सुराख रह गया था ठीक है, तो उसको मैं टेप की मदद से बंद कर दिया हूँ। अब मैं इस प्लेट में, तो गाइस देख रहे हैं ना कितना अच्छा से मैं इसमें भी वायर फिट कर दिया हूँ। तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा था, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था जो मैं वहाँ पे छेद किया हूँ आयरन से,
तो ऊपर में हुआ पिघल कर निकल गया था, उसको मैं आरी ब्रेड की मदद से इसको थोड़ा सा काट कर हटा दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आप गाइस आराम से इसको पहले ही हटा सकते हैं, काट सकते हैं, प्लेन कर लीजिए बिल्कुल, स्लेस कागज़ हो या किसी भी चीज़ से। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना गाइस, वहाँ पे आप उसको पहले ही हटा लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो वायरिंग में, ठीक है गाइस, और फिटिंग करने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं फटाफट से इसको चिपका लेता हूँ फेविक्विक की मदद से। ये फेविक्विक है जो मैं 5 रुपया में लिया हूँ, हाँ 5 रुपया मिलता ही है, कौन सा नहीं बात है। चलिए फटाफट से इसको चिपका ले रहा हूँ। जब तक मैं चिपकाता हूँ इसको तब तक आप लाइक एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, देखिए मैं कितना अच्छा तरीके से इसे चिपका रहा हूँ। और थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है गाइस, बट हो जाएगा, चिपक जाएगा। और देखिए मैं इसमें एलईडी बोर्ड है जो, देखिए एलईडी सर्किट बोर्ड है जो आपको 9 वोल्ट का मिल जाएगा, 9 वाट का मिल जाएगा आपको, ठीक 9 वाट का गाइस। आपको इसमें क्या होता है ना, इसमें आईसी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिक दुकान पे जहाँ पे बॉल रिपेयरिंग करते हैं वो भी रखते हैं, तो उनसे आप जाकर परचेज कर सकते हैं। ये तकरीबन आपको मिल जाएंगे, मुझे मिला है तकरीबन ये 15 रुपये में, आपको सस्ता भी मिल जाएगा आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो। चलिए ये थोड़ा बड़ा तार रहते, इसको फटाफट हम प्लास्टिक की मदद से काट ले रहे हैं, फिर इसको हम सोल्डिंग करेंगे। तो फटाफट हम सोल्डिंग कर ले रहे हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं नाखून की मदद से ही इसको छील ले रहा हूँ, मेरे नाखून में पावर है, पावर है। तो देखिए मैं वायर को यहाँ पे छील लिया, अब इसमें सोल्डिंग करने का टाइम। तो चलिए मैं फटाफट इसमें सोल्डिंग कर रहा हूँ, देखिए वहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है, तो आप वहाँ पे अच्छा तरीके से आप देख लीजिएगा, एक एन एल लिखा होगा, ठीक है। तो फटाफट हम इसे सोल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से इसे मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कितना अच्छा से करता है। चलिए यहाँ पे मैं रंगा ले लिया हूँ और यहाँ पे मैं फटाफट से सोल्डिंग कर ले रहा हूँ। सोल्डिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सोल्डिंग करने के बाद में इसके ऊपर में एक एलईडी बॉल का जो कवर होता है ऊपर का, वो इसके ऊपर से लगा देंगे। तो गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे, मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ। और देखिए मैं फटाफट से इसको दूसरा पॉइंट में भी इसको फटाक से हम ये करते हैं, सोल्डिंग करते हैं, शायद मेरा आयरन ठीक से गर्म नहीं हुआ इसके लिए सोल्डिंग छोड़ दे रहा है। तो हाँ गाइस, फाइनली मेरा सोल्डिंग हो गया, फिर छोड़ दिया, तो हाँ हो गया सोल्डिंग, देखिए फटाफट सोल्डिंग मैं कर लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा वो आगे आप देखिए, ठीक है। ये देखिए अच्छा तरीका से इसके ऊपर कवर, ये कवर की बात कर रहा था, ये आपका 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट का जो आपको मिलेगा ना एलईडी बॉल, उसके ऊपर में लगा रहता है, जो ख़राब होगा उसके ऊपर से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे फेविक्विक की मदद से इसको भी चिपका देता हूँ ताकि गिरे नहीं, ठीक है, और सेफ्टी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट करंट आएगा। तो चलिए फटाफट, वाओ देखिए कितना अच्छा से चिपक गया,
और ये देखिए गाइस, ये मेरा फाइनली बनकर तैयार हो गया है, मेरा बल्ब विथ होल्डर ये मेरा बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसमें टेप थोड़ा सा मार ले रहा हूँ और मजबूती के लिए। ये सट जाएगा इसका फेविक्विक, तो इसे मैं हटा दूँगा। दूसरा तरफ से भी मार ले रहा हूँ, ठीक है टेप। तो फाइनली इसका टेस्टिंग का समय आ गया है और ये मेरा बनकर तैयार हो। तो गाइस ये लंबा वीडियो है, बस एस्केप नहीं कीजिएगा। एस्केप करने से क्या होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा, तो एस्केप नहीं कीजिएगा। और ये खुल गया, उफ ये मेरा अच्छा तरीका तो शायद नहीं चपका अभी फेविक्विक। तो चलिए मैं इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। आप बढ़िया तरीक़ा से इसको ग्लू गन की मदद से या सुपर ग्लू मदद से आप इसको अच्छा से चिपका सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोर्ड ले आया, देखिए। और इसमें देखिए टेस्टिंग का समय है, 1 2 3। वाह देखिए मेरा जलकर जल गया, वाह क्या बात है। देखिए कितना खूबसूरत तरीके जला, कितना ब्लिंकिंग है इसमें, लाइटिंग कितना है फ्रेंड। देखिए इसके अंधेरा में, मैं इसको अंधेरा में दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस देखिए अंधेरा में कितना, देखिए वहाँ पे ऊपर में लाइट है। देखिए अगर ये लाइट कट जाए आपको इमरजेंसी में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका घर में फ्यूज़ हो जाए बॉल, तो आप इसको इमरजेंसी में इसको यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। देखिए ये कितना अच्छा दे रहा है, देखिए मैं ऊपर का लाइट बंद कर दिया हूँ, देखिए ये कितना अच्छा से यहाँ रोशनी दे रहा है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस ये मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना अच्छा से, आपके घर में अगर फ्यूज है बॉल, तो उस घड़ी अगर ज़्यादा रात हो, तो आप इसके यूज करके एक रूम के आराम से ये कर सकते, लाइटिंग कर सकते, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए।